हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन शो रिएक्शंस। मेरा नाम है राज और आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ अली रियाज के टिकटॉक वीडियोस पे। अभी कुछ दिन पहले एम्ब्रोस ने अली रियाज पे रिएक्ट किया था और तब से मुझे कमेंट्स में बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं इस पे रिएक्ट करने के लिए, तो लेट्स टेक इट ऑन। उसकी कॉल क्यों नहीं आ रही, मैसेज क्यों नहीं आ रहा? तुम उसे हर वक्त याद करते हो और वो सारा काम करके जो वक्त मिलता है उसमें तुम्हें याद करता है। ओ मेरे भाई बहनों, कभी भी किसी के टाइम पास की वजह मत बन जा। बिल्कुल सही बोला इसने, जरूरत ही नहीं है ये सबकी, अपने को जरूरत ही नहीं है। मुस्कुराना इतना मुश्किल काम नहीं होता, बस एक बार माँ का ख्याल आना ही काफी है। वैसे आप लोग ने मुझे बताया कि ये अपना वॉइस खुद रिकॉर्ड करता है, तो ये इसका ओरिजिनल कंटेंट है। अली भाई जी, भाई आजकल के लोगों पे लाइन हो जे। आजकल के लोग चेहरे साफ, दिल में दाग, मुंह पे आप और पीछे सांप। ही इज राइट। अली भाई जी, भाई सिंगल लोगों पे एक लाइन हो जे। कहाँ बिजी थे, रिप्लाई क्यों नहीं किया? लेट रिप्लाई क्यों कर रहे हो? तुम्हारा लास्ट सीन क्यों ऑफ है? मुझे अपनी आईडी का पासवर्ड दो। हम सिंगल लोग ना इन सारे चक्रों से फुल आजाद होते हैं। ये सारे जुलम जाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मजबूर हूँ मैं, खाना सही समय पे नहीं खाता, मजबूर हूँ मैं। और जो कुछ हो रहा है होने दो, क्योंकि हमारे अल्लाह ने हमारे लिए हमारी सोच से बेहतर सोच रखा होगा। आजकल किसी से भी वफा की उम्मीद ना कीजिए, बस चाय पीजिए और दफा कीजिए। इसमें एटीट्यूड देखा इसका, वेरी नाइस। अली भाई जी, भाई बाप के लिए एक लाइन हो जे। अरे बाप तो ऐसी हस्ती है जिसके जूतों से भी औलाद बेपना मोहब्बत करती है। मैं नोटिस कर रहा हूँ ये काफी सारे अच्छे मैसेजेस दे रहा है थ्रू टिकटॉक। बहुत सोचा, बहुत देखा और बहुत आजमाया भी, और फिर ये जाना कि अपने सिवा कोई अपना नहीं होता। ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि जब रहना ही तन्हा तो रोना कैसा, और जो था ही नहीं अपना उसे खोना कैसा। चल हाथ निकल मेरी जिंदगी से। ये सॉन्ग्स भी काफी एप्रोप्रिएट चूज़। अली भाई जी, भाई बड़े भाई के लिए एक लाइन हो जे। बाप के जाने के बाद बड़ा भाई ही बाप होता है, बहन के सर पे हिफाजत का एक हाथ होता है। फूलों का तारों का सबका कहना है। अली भाई जी, भाई अरेंज मैरिज पे एक लाइन हो जे। निकाह करके साथ ले जाने वाला नापसंदीदा मर्द मुंह काला करके साथ छोड़ जाने वाले महबूब से 100 गुना बेहतर होता है। अली भाई जी, भाई इस दुनिया में हमें कैसे रहना चाहिए? इस दुनिया में ना थोड़ा स्पेशल बन के रहना चाहिए, क्योंकि अगर तुम आम बनोगे तो ये दुनिया वाले तुम्हारा अचार डाल देंगे। अब कोई अच्छा भी लग गया तो कभी इजहार नहीं करेंगे, ये इश्क बहुत जालिम चीज है जनाब, जीते जी हम कभी प्यार नहीं करेंगे। अगर तुम घर में अपनी माँ बहनों के लिए शेर हो तो कोशिश करना बाहर दूसरों की माँ बहनों के लिए भेड़िया ना बनना। बेटियों को मारते, बेटियां ना पालते, वो छोड़ गए फिर भी छुप छुप के उसका स्टेटस देखते हो, उसका पीछा करते हो, उसे याद करते हो। ओ मेरे भाई बहनों, कभी भी अपना वक्त बर्बाद मत करना, जो तुम्हें भूल गया उसे याद मत करना। मुझे कहती मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, तुम मेरी समझ से बाहर हो। मैंने कहा मुझे समझना तेरे पास की बात नहीं है, या तो सोच बुलंद कर या सोचना छोड़ दे। मुझे इसके एटीट्यूड वाले वीडियोस भी काफी पसंद आ रहे हैं। बहन को सब पता होता है कि मेरे भाई का किसके साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन फिर भी वो उसकी खुशी देख के मुस्कुरा देती है। गैरत के नाम पे भाई का कत्ल नहीं करती। मैं एक सेकेंड पॉज कर रहा हूँ, दिस वॉज वेरी डीप, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आया तो ही इज़ टॉकिंग अबाउट ऑनर किलिंग जो इंडिया पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में होता है। जब भाई को पता चलता है कि भाई या पापा को पता चलता है कि जो लड़की है वो रिलेशनशिप में या फिर उसका कोई चक्कर चल रहा है, बॉयफ्रेंड है उसके पास, तो उसका मर्डर हो जाता है। तो उसके अगेंस्ट में उसने एक सटल मैसेज दिया, तो we have to appreciate this. Let's continue. तुम्हें छोड़ गए वो, चलो कोई बात नहीं, वो लौट के जरूर आएंगे,
एक बार उन्हें ये दुनिया तो देख लेने दो। गुरु सब कुछ हार गया, कादा तेरे नाल प्यार पिया। अली भाई यार, ये लड़कियों को ससुराल वाले अपनी मर्जी से जीने क्यों नहीं देते? सब कुछ चाहने से हासिल हो जाए जनाब, ये मुमकिन नहीं है। ससुराल ससुराल होता है, बाप का घर नहीं है। अली भाई। जी भाई। दोस्ती कैसी होनी चाहिए? दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि लोग भी देख के बोले अल्लाह जाने इन दोनों का क्या होगा। वो मैनू चढ़ बिना बिना मेरे यार, शराबी यार मोड़ दो। माना के मॉडर्न दौर है, आजकल के लोग बहुत ओपन माइंडेड हैं, लेकिन कुछ लाइक्स के लिए अपना जिस्म दिखाना जरूरी है क्या? अगर किसी फेमस एक्टर की मौत हो जाए तो सब लोग रो रो के स्टेटस लगाने लग जाते हैं, और उनका क्या जिन्होंने हमें महफूज रखने के लिए अपने ही बच्चों को यतीम कर डाला। तेरी मिट्टी सोल्जर्स के बारे में बात कर रहा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी। वो किसी का भी नहीं हो सकता, मैंने उस शख्स को अपना बना के देखा है। इसका स्माइल भी कितना सैड लग रहा है इसमें। लड़कों की एक बात पता है, वो कभी भी किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते, लेकिन अगर कोई लड़का तुमसे कर रहा है ना, तो इसका मतलब तुम उसके लिए बहुत स्पेशल हो। आई एग्री। ज्यादा नहीं, बस एक ही बात मान लो, ये लो मेरा हाथ और इसे जिंदगी भर थाम लो। अली भाई। जी भाई। ट्रस्ट तोड़ने वालों पे एक लाइन हो जे। मूंगफली में दाना नहीं, और ट्रस्ट करने का अब जमाना नहीं। अली भाई। जी भाई। पाकिस्तानी औरतों की जिंदगी कैसी हो गई है? पाकिस्तानी औरतों की जिंदगी अगर सहें तो सब ठीक, और अगर ना सहें और कुछ कहें तो बदतमीज। मुझे अभी फेमिनिस्ट लग रहा है, एक्सट्रीम फेमिनिस्ट नहीं ऑब्वियसली, लेकिन काफी अच्छे मैसेजेस थे। तुम्हें आंसू तब भी आ जाया करते हैं जब तुम तो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन तुम्हें सुनने वाला कोई ना। अली भाई। जी भाई। जो लोग कहते हैं कि लड़की वाले सिर्फ पैसे पे मरते हैं, उनके लिए एक लाइन हो जे। जो लोग कहते हैं कि लड़की वाले बस पैसों पे मरते हैं, तो लड़के वाले जहेज में क्या सब्जी मांगते हैं? मैं आप लोग से झूठ नहीं बोलना चाहता, इसलिए आई एम गोइंग टू बी 100% ऑनेस्ट। ये वीडियो जब स्टार्ट हुआ था, मुझे डर लग रहा था कि दिस इज गोइंग टू बी स्लाइटली क्रिंजी, क्योंकि अली रियाज काफ़ी यंग है और वो इतने बड़े बड़े मैसेजेस दे रहा है और हर वीडियो के एंड में ऐसे स्टाइल में चल के जा रहा है, तो मुझे डर लग रहा था कि वो थोड़ा क्रिंजी हो सकता है। लेकिन जैसे मैं वीडियो आगे देखता गया, मुझे उसका स्टाइल पसंद आने लगा। उसका एक सिग्नेचर स्टाइल है, वीडियो के स्टार्टिंग में एक बंदा पूछता है अली भाई, फिर कुछ क्वेश्चन पूछता है और वो उसका जवाब देता है, तो मुझे उसका स्टाइल बहुत पसंद आया। और वो जब सैड वीडियोस होते हैं, सैड लाइंस के बाद भी ऐसा स्माइल के साथ चल के जाता है, दैट मेक्स इट इवन मोर सैडर, तो बहुत पसंद आया मुझे। मुझे ये भी पसंद आया कि वो खुद का ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है, खुद का डायलॉग्स रिकॉर्ड कर रहा है, नहीं तो ज़्यादातर लोग टिकटॉक पे सिर्फ लिप सिंकिंग करता है, तो बहुत एफर्ट लिया इसने, इसको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में मैं उसका यूज़र नेम डाल दूंगा, मेक श्योर टू फॉलो हिम। मैं भी फॉलो कर लेता, लेकिन इंडिया में टिकटॉक बैन हो चुका है। एंड मुझे एक और चीज़ पॉइंट आउट करनी थी कि ये काफ़ी सारे सोशल मैसेजेस भी दे रहा है टिकटॉक के थ्रू, उसके टिकटॉक वीडियोस के थ्रू, स्पेशली जो विमेन के अगेंस्ट में स्टिग्मा है उसको टैकल कर रहा है, तो वेरी ब्यूटीफुल सोशल मैसेजेस थ्रू टिकटॉक, तो मुझे बहुत पसंद आया। अगर आपको मेरा रिएक्शन पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। एंड अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को डिसलाइक कर देना, कॉमेंट्स में कुछ मीन कह देना। और अभी सुनते हैं कि आकाश को ये वीडियो कैसा लगा। हे गाइस, मेरा नाम है आकाश। तो आज हम बात करते हैं अली रियाज की, जिनके टिकटॉक्स मैंने देखे, जो आप लोग काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि अली रियाज पे रिएक्ट करो, अली रियाज पे रिएक्ट करो। तो आज मैंने अली रियाज के वीडियोस देखे, तो काफ़ी मज़ेदार वीडियोस हैं, और वो ज़्यादातर उनके वीडियोस में थॉट्स और शायरियाँ काफ़ी उन्होंने बोले हैं, मतलब तो काफ़ी अमेजिंग है। और उनका रियल है थोड़ा मुझे लगा भी,
और राज ने भी मुझे बताया कि उनका रियल मतलब वो है, बट मुझे पता तो चल गया था कि उनका रियल ही है क्योंकि वो हर वीडियो में उनका वॉइस सेम आ रहा था, सब कुछ मतलब सेम था उनका वॉइस वगैरह, तो बहुत मज़ेदार वीडियोस थे उनके और मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और मैं पहला कोई ऐसा टिकटॉक स्टार देख रहा हूँ जो खुद की शायरी मतलब खुद से बना रहा है। और एक सिंगर पे भी हम लोग ने किया था, उनका नाम यार मतलब उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ महीनों पहले ही हम लोग ने किया था मैंने और राज ने, तो वो उनके खुद के मतलब उनका खुद के वॉइस के साथ सॉन्ग सिंगिंग कर रहे थे। वो जो सिंगल वालों की शायरी थी वो मुझे काफ़ी मज़ेदार लगी और मुझे मतलब अच्छी लगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।